नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप कैसे चलते हैं ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हम वर्क करते हैं, क्यों हमको जो है ज़्यादातर यूपीपीसीएस के जितने भी जो है स्टूडेंट हैं सबसे पहली प्रायोरिटी पे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को रखते हैं। अब कई सारे जलने वाले हैं जो वो जलते रहेंगे, लेकिन हम आपको जो है दिखाना चाह रहे हैं कि पेड ग्रुप हमारा चलता कैसे, मतलब स्टूडेंट को हम क्या सपोर्ट देते हैं एग्जैक्टली। अब देखिए, बीओ ग्रुप जो है, जैसे हमारे कई सारे ग्रुप हैं, यूपीपीसीएस का बीओ का ग्रुप चल रहा है, आरओ का ग्रुप चल रहा है, अपर पीसीएस का ग्रुप चल रहा है प्रीलिम्स 2020 के लिए, 2019 का मेंस का ग्रुप चल रहा है अपर ये यूपीपीसीएस का, प्लस बीपीएससी 65th के मेंस के ग्रुप चल रहे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों के, यूपीएससी का ग्रुप चल रहा है। मैं आपको सारे ग्रुप का जो है ये दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से वर्किंग है। और सारे ग्रुप में अभी तक जो है, जैसे कुछ हम एक वीडियो बनाते हैं उसमें बताते हैं कि हम क्या क्या देंगे, तो ऑलमोस्ट सारे ग्रुप में हम एक डिस्कशन वाला प्लेटफॉर्म जरूर देते हैं। उसका ये मतलब होता है, अभी तक तो डिस्कशन स्टूडेंट के लिए करता था मैं कि जो है स्टूडेंट आपस में जो है डाउट क्लियर कर लें, कोई चीज़ हो तो आपस में डिस्कस कर लें, लेकिन अब हमारी तरफ से सपोर्ट दिया जाता है कि अगर कोई जो है ग्रुप ज्वाइन किया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड वाला, उसमें क्या क्या उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए, कि कोई भी डाउट है, कुछ भी जो है पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कोई पीडीएफ नहीं मिल रही है, वीडियो नहीं हो रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, सब कुछ बताते हैं इसमें हम, ठीक है। तो ये देखिए, ये है डिस्कशन ग्रुप, ठीक है। 4000 रुपये में 18% जीएसटी है, उसके बाद करीबन 600 लोग हैं, ये इस बात से और कुछ लोग फूक गए होंगे। तो एक मेरा एटीट्यूड जिंदगी में है हमेशा कि जो फूकेगा उसको फूकेंगे, जो जलेगा उसको और जलाएंगे, जो जो है छीलेगा उसको और छीलेंगे, जो कटेगा उसको और काटेंगे, और जो है हमसे जलता रहेगा उसको और जलाते रहेंगे। देखिए, इसमें तुरंत जो है यहाँ पे मैसेज किया स्टूडेंट ने, तुरंत यहाँ पे रिप्लाई किया, ठीक है। ये देखिए, तुरंत हम लोग वॉइस मैसेज देते हैं, आप देख लीजिए, इसमें जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी तरफ से तुरंत वॉइस मैसेज जाता है, ठीक है। तो हमारे जो एडमिन है, जैसे बीओ का दिखा रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद और भी ग्रुप दिखाता हूँ, कई सारे हैं यहाँ पे। अब देखिए जैसे यहाँ पे जो है सपोर्ट मांगा गया कि क्या चीज़ है, यहाँ पे कोई चीज़ लिखी गई कि कैसे इसको जो है समझाना है, तुरंत उसका जो है वॉइस मैसेज दिया गया। हमारे एडमिन जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम में, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो टीम में लोग हैं, जो हमारे एडुकेटर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डेडिकेटेड हैं, और इसीलिए मैं वही लोग हमारे साथ बना भी पाते हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, डेडिकेटली काम करते हैं, रिलीजियसली काम करते हैं, ये मान के कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक ब्रांड नेम है। हमारा ट्रस्ट जो है स्टूडेंट के साथ कभी भी टूटना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ज़िंदगी में जो है ट्रस्ट कमाना होता है, गंवा तो 1 मिनट में जाया जा सकता है, ज़िंदगी लग जाती है पूरी विश्वास कमाने में। तो ये वाली चीज़ है, देखिए तुरंत किया, तुरंत यहाँ पर रिप्लाई, ठीक, आप देख लीजिए, ये इस तरह से डिस्कशन ग्रुप चल रहा है, तुरंत किया, तुरंत रिप्लाई। तो ऑलमोस्ट जो स्टडी के सीरियस स्टूडेंट होते हैं, जितने भी जो सिर्फ पढ़ने के पर्पज से आते हैं, वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बेहतर उनको प्लेटफॉर्म कोई नहीं दे सकता है। कई लोग क्या करते हैं, जो लोग भी पेड ग्रुप चलाते हैं, मैं जानता हूँ सबको, मेरे कई सारे मेंबर भी हैं उनके यहाँ, मैं इसीलिए जो है वर्किंग देखने के लिए कि लोग करते कैसे हैं। मतलब मैं आपको सही बताऊँ तो मैं ऑलमोस्ट जितने भी इंडिया के कोचिंग है वो है, मैं सबकी चीज़ें जो है ला के देखता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, कि ताकि रिलेटिवली हम उनसे कैसे बेस्ट हो सकते हैं। इस पर मैं जो है, हमारी पूरी रिसर्च टीम है, प्रूफ रीडिंग तक की टीम है हमारे पास, कि अगर मान लीजिए कोई नोट्स लिखे गए हैं, मान लीजिए 100 पन्ने के नोट्स हैं, तो हम उसको प्रूफ रीड करवाते रहते हैं कि अगर इसमें एक भी एरर मात्रा तक की भी मिल जाए ना, तो हम उसको अपने पेड ग्रुप वालों को जो है कम्युनिकेट करते रहते हैं, इवन उसका वीडियो भी बना के जो है जो हमारे पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन करते हैं उनको भी कम्युनिकेट करते रहते हैं। बस दिक्कत यह कि जो रेगुलर फॉलो करता है उसी को समझ में आता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया, तुरंत रिप्लाई किया गया, ठीक, ये आप देख सकते हैं, तुरंत का तुरंत रिप्लाई होता है, एक भी जो है मिनट का ही किए हुए, देख रहे हैं आप। सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज होती है, फिर उसका डिस्कशन होता है। अच्छा, यूपीपीसीएस 2020 के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, मैंने आपको बताया था 1 मार्च 2020 से लेके 21 जून 2020 तक का एक हम जो है नया डिस्कशन ग्रुप खोलने जा रहे हैं उनके लिए। यूपीपीसीएस में मेरी आदत है, जब प्री का एग्जाम होता है उसके 2-3 महीने पहले खोलता हूँ, ताकि जितने भी डाउट हों सारे उसमें क्लियर कराए जा सके। और उसमें बिल्कुल जो है कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग टाइप की एक्सरसाइज होगी, उसमें एक शेड्यूल दिया जाएगा आपको डेली 2-3 घंटे का, और आप उसमें कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे क्वेश्चनों के। कोई अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, फैक्ट नहीं क्लियर हो रहा है, पीडीएफ नहीं समझ में आ रही, सारी चीज़ें उसमें दी जाएंगी। जीएस का तो दिया ही जाएगा, सीसेट का भी वहाँ पे पूरा गाइडेंस किया जाएगा। कोई रीजनिंग का सवाल नहीं आ रहा है, कोई मैथ का सवाल नहीं आ रहा है, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, जीएस में पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी,
ज्योग्राफी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे। और वहाँ के लिए हमने एक डेडिकेटेड जो है हमारी टीम के बहुत ही जो है स्ट्रांगली डेडिकेटेड हैं मेंबर, उनको और उसी लिए रखा हुआ है वहाँ पे। 1 मार्च से वो पूरी तरह से आपके साथ एक्टिवेट रहेंगे यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स के लिए। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे डाउट्स और लगातार जो है हम आपके साथ लग के सिलेक्शन करवा के ही मानेंगे। ये देखिए लगातार ये देख रहे हैं आप, अब देखिए आपको मैं कुछ जो है डिस्कशन ग्रुप लाइव दिखाता हूँ कैसे चलते हैं। देखिए ये लाइव बीओ का डिस्कशन ग्रुप है, तुरंत जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तुरंत उसकी जो है आंसर दिया गया। मेन चीज़ यही है, क्योंकि देखिए मटेरियल देना तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी दे सकता है। कई सारे लोग यही करते हैं कि अपना पीडीएफ जो है इधर उधर से उठा के और जो है अपने 10 पन्ने खुद ही के जो है गेस करके दे दिए कि भैया ये आ जाएगा, जबकि ये पूरी तरह से रिस्क है। अगर हमने जैसे आपसे कमिट किया है कि हम बीओ का उतना मटेरियल देंगे कि जिसमें आपका प्री में सिलेक्शन हो जाए, तो हम ये थोड़ी ना कर सकते हैं कि आपको जो है मतलब हम बीओ का ये ऐसे कहते हैं कि भैया ये जो 120 क्वेश्चन आने 1200 क्वेश्चन पढ़ लो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई और ये जो है रिस्क वाली चीज़ हो गई। मतलब यहाँ पर कोई जो ट्रेडिंग थोड़ी ना चल रही है कि आप एक गेस कर लो। अगर एक हिस्ट्री है, जैसे हिस्ट्री के कुछ पेजेस आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, उसमें एंशियंट के कुछ पेजेस होंगे 100-150, मिडिवल के कुछ होंगे, मॉडर्न के कुछ होंगे, तो हम उतना आपको जो है मॉड्यूल देते हैं कि आप अगर उसको पूरा रिलीजियसली पढ़ लो, सिर्फ पीडीएफ भी पढ़ लो, आराम से आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये लगातार देखिए हमारा सपोर्ट रहता है, जो भी क्वेश्चन पूछे तुरंत यहाँ पे हमारे एडमिन एक्टिवेट होते हैं, 4 घंटे के अंदर सारे जो है आंसर आपको दिए जाते हैं सारे चीज़ों के। ठीक है, लगातार यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप चलता रहता है। देखिए लगातार जो है अगर मान लीजिए कोई रीजनिंग में भी समस्या हुई तो तुरंत यहाँ पे बताया जाता है कि इस वीडियो को देखें, ऐसे पता चल जाएगा। कोई और समस्या होती है तुरंत यहाँ पे सॉल्व करी जाती है। फिर भी अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो मुझे व्हाट्सअप करता है, मैं उसकी समस्या सॉल्व करता हूँ। फिर भी नहीं हो पाती तो हमारे एडुकेटर कॉल करते हैं स्टूडेंट को कि बताइए क्या चीज़ आपको दिक्कत हो रही है। किसी भी तरह से अगर सीरियस एस्पिरेंट है और वो हमको ये पता है कि वो स्टडी ही कर रहा है, मतलब कोई इधर उधर की बातें नहीं। कुछ लोग क्योंकि ये भी आते हैं ना कि मैट्रिमोनियल और साइट ये सब ढूंढने आते हैं यहाँ पे, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सीरियस एस्पिरेंट है, अगर सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, सिर्फ सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप हमारा मटेरियल पढ़ें तो सब कुछ हो सकता है और लगातार सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए दूसरा ग्रुप है आरओ का। आरओ का डिस्कशन में भी जो भी चीज़ें आप पूछोगे तुरंत यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। ठीक है, सब उसमें जो है दिया जाता है, सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं। फिर उसका जो है कई सारे वॉइस मैसेज दिए जाते हैं, वीडियो दिए जाते हैं, कैसे कैसे एक इवेंट जो टेस्ट होने वाला होता है उसके लिए हम पहले 2-4 मिनट का बताते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। प्लस लगातार आपको मैसेज मिलते हैं। ये देखिए इस तरह से मैसेज दिया जाता है कि भैया आप पहले अटैम्प्ट करिए डिस्कशन ग्रुप में, फिर भी अगर आप जो है डन करके लिखिए कि भैया आपने कर लिया है कि नहीं। अब ये इतना मतलब कितना कर सकते हैं आपके लिए, यही तो कह सकते हैं कि आप टेस्ट ये दीजिए, अटैम्प्ट करिए, कोई समस्या हो तो पूछिए। ठीक है, यही तो ऑनलाइन हो सकता है ना सपोर्ट। तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल है ना उतना देते हैं हम यहाँ पे। और मतलब जितने लोग भी, इसीलिए यूपी पीसीएस में आप देख रहे होंगे लगातार हमने सिलेक्शन दिए, लगातार, चाहे 2017 में फाइनल सिलेक्शन हो, जो 17 हो चुके हैं अब तक टोटल मिला के, जो टॉपर्स से लेके जो है टॉपर्स ने भी रिकमेंड किया है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस, वो पढ़ रहे थे जब उनका रिजल्ट आया था। कई लोग के मैं मैसेज भी आपको दिखा चुका हूँ कई बार। ठीक है, और जो है उसमें चाहे 2000, अगर आपको नाम यकीन हो तो 2018 वाला जो है रिज़ल्ट आप देख लीजिएगा। मैं कुछ मैसेज भी अभी दिखाता हूँ कैसे कैसे मैसेज आते हैं। तो जो लोग हमारे साथ मतलब अगर सिर्फ स्टडी पर्पस हैं उनका ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, 2018 के प्री में 165 सिलेक्शन हुए थे, 2019 का प्री का रिज़ल्ट आने वाला है, जिस दिन भी आया उस दिन भी एग्जैक्टली बताऊँगा कितने सिलेक्शन हुए फाइनली। ठीक है, 2019 में जो है कई लोगों ने बोला था जैसे कि पापा वीडियो काम नहीं कर पाए, बिल्कुल काम किए थे। पापा वीडियो का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ एक पापा नहीं देखो, अगर आपने पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट के पापा वीडियो देखने पड़ेंगे तभी जो है काम होगा। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि एक हमने बुक रिलीज़ करी, आपने उसके 2 पन्ने पढ़ लिए और उस बुक में है 200 पन्ने, फिर आप कह रहे हो कि यार इन 2 पन्ने से कुछ आया नहीं, तुम्हारा मटेरियल बेकार है, फिर ये तो बेवकूफ़ी हो गई। ठीक है, तो मतलब नुक्स निकालने वाली बात हो गई कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अगर आपने जो है 200 पन्ने की बुक दी गई है तो आप उसको पूरा पढ़िए, और उसमें से अगर जो है सिलेक्शन ना हो तो बताइए। मतलब हम सिंपल क्या करते हैं कि मार्केट की जो बेस्ट चीज़ है जो एग्ज़ाम में आ सकती है, जैसे पूरी की पूरी जो बुक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था एनसीईआरटी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पेड ग्रुप में बता रखा था। तो जिसने जिसने 2019 में पूरी स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से फॉलो की थी उन सब लोगों के जो है 105 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अभी रिजल्ट आएगा तो देख भी लेंगे आप लोग।
ठीक है। और हम मुझे यकीन है कि पिछले 2019 में कम से कम जो है हमारे प्री वाले ग्रुप से 150 से ज़्यादा सिलेक्शन जरूर होने चाहिए, बाकी रिजल्ट ही बताएगा। तो ये देखिए आरओ में भी डिस्कशन ग्रुप में लगातार जो है लगा हुआ है, यहाँ पे लगातार हमारे एडमिन लगे रहते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है सब कुछ बताया जाता है, एक एक चीज़। इवन टेस्ट सीरीज़ के भी डिस्कशन में होते हैं, कोई टेस्ट सीरीज़ में अगर आपको क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है वो भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और दिखाता है। उसके बाद ये यूपीएससी का ग्रुप है, ठीक है, लगातार आप क्वेश्चन पूछो जितने, ये इसमें इंडिया का पहली बार ऐसा हो रहा है, कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज हो रही है, आप जितने क्वेश्चन पूछोगे जितने कमेंट से उतने ही जवाब दिए जाते हैं। एक अगर आपने एक क्वेश्चन को 8 पार्ट में पूछा है तो आपको 8 बार उसका वॉइस मैसेज मिलेगा कि हर एक जो है सब पार्ट का भी जवाब दिया जाता है। यही जो हमारे एडमिन हैं मिस्टर विकास जी, यही हमारे साथ यूपीएसपीसीएस वाले जो है डिस्कशन रूम में भी रहेंगे और मैं भी रहूंगा वहाँ पे, पूरा जो है मिलके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। मतलब विकास जी ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे मेरे बीच बीच में मोटिवेशनल मैसेज, और प्लस कोई और जो है समस्या कभी ग्रुप में हो गई वो सारी चीज़ों में सपोर्ट रहेगा मेरा। मतलब कुल मिला के जितने भी मेरे डिस्कशन ग्रुप हैं, मैं एक्चुअली रात में 2-3 घंटे सोने से पहले मैं सब यही देखता हूँ कि सब लोग जो है स्टूडेंट जो है सेटिस्फाइड है कि नहीं। पेड ग्रुप में देखिए सिंपल बात है, हमारा फंडा क्लियर है, मैं इसमें कोई भी चीज़ छिपाता नहीं हूँ, वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे। तो जो गरीब लोग हैं वो आराम से मेहनत करके, लगातार मैंने सबकी प्लेलिस्ट बना दी है हर एग्ज़ाम की, आप जो है चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट देख डालो, सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे, पीडीएफ नहीं मिलेगी। टेस्ट सीरीज तक का वीडियो देते हैं, स्ट्रेटजी तक का वीडियो देते हैं कि आप अगर अगर करने वाले हो तो कर सकते हो। अब रोना रोना है तो फिर तो रोते ही रहोगे, रोंदू मत बनो, ठीक है। या तो अगर आप अपनी जो है कंडीशन है जिस हिसाब से उसमें अपने आप को एडजस्ट करो, लिखो, नोट्स बनाओ, सब चीज़ दी हुई है ना, जो पीडीएफ हम प्रेड ग्रुप में दे रहे हैं वही पे तो वीडियो दे रहे हैं ना, 16 घंटे की पीडीएफ, तो क्या हुआ, मेहनत करो ना आप। और या फिर आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो, पेड ग्रुप में बस एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको सारी पीडीएफ मिल जाती हैं जो एक पर्टिकुलर एग्जाम को सिलेक्ट होने के लिए ज़रूरी है। जैसे बीओ का ग्रुप है अगर प्री, तो उसमें इतनी पीडीएफ दी गई कि आप बीओ के प्री में सिलेक्ट हो जाओगे बिल्कुल जो है, अगर आपने सारी पीडीएफ पढ़ ली, टोटल समरी पीडीएफ, कंपाइलेशन पीडीएफ, टेस्ट सीरीज पीडीएफ, और प्लस हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कर लिया, ठीक है। पेड ग्रुप में पीडीएफ मिल जाती है, वॉइस मैसेज मिलते हैं टाइम टू टाइम, तो वो मैं अलग से वीडियो भी बनाता रहता हूँ। खैर उसके अलावा जो है पेड ग्रुप में ये सपोर्ट होता है कि डिस्कशन होता है, उसमें कोई भी समस्या हो तुरंत सॉल्व कर दिया जाती है 3-4 घंटे के अंदर। इवन जो है कॉलिंग फैसिलिटी भी होती है कि हमारे एडमिन आपको कॉल करते हैं, कोई भी समस्या हो तुरंत समझते हैं कि क्या समस्या हो रही है और आपसे जो है बातचीत करके उसको सॉल्व करते हैं। कोई ऐसी समस्या है जो कोई कोर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं खुद ही उसमें कूदता हूँ, या फिर जो हमारी टीम के एलिजिबल लोग हैं वो उसको बताते हैं। मतलब कुल मिला के टीम वर्क है सिंपल आपको सिलेक्ट कराने के लिए बस। ये आप देखिए इसमें लगातार जो है, देखिए देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन पूछा तुरंत उसका आंसर, एक क्वेश्चन पूछा तुरंत उसका आंसर, जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतने क्वेश्चन है ये। और ये यूपीएससी 2020 का पहली बार हमने ग्रुप खोला है, यूपीएससी में बहुत ही ज़्यादा विशेष फोकस है, अभी उसका क्रैश कोर्स चालू हो रहा है 1 मार्च से, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से हमारा पेड ग्रुप चलता है। तो ये तो हो गया डिस्कशन वाला ग्रुप। अब देखिए इसमें मैं कुछ आपको कमेंट दिखाने जा रहा हूँ, ये जो है हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं और इनका ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आप चाहें तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं, ये कुछ लोगों ने जो पेड ग्रुप दिए हुए हैं वो सब कमेंट है, और कोई भी कमेंट जो है कहीं भी जो है फर्जी नहीं है, बिल्कुल जैसा स्क्रीनशॉट है वैसा ही दिया गया है, ठीक है। मैं उसी दिन करता हूँ, जनरली मैं ये वाली चीज़ें मैं करता नहीं था कि मतलब अगर किसी का सिलेक्शन हो जाए तो मैं सोचता था कि क्या मतलब है दिखाने का, बंदे का सिलेक्शन हो गया अपना जो है वो खुश है, हम खुश हैं कि हमारी वजह से हो गया। लेकिन आजकल की दुनिया मार्केटिंग की दुनिया है, अगर कोई आप जो है चीज़ें कर रहे हैं और उससे जो है सक्सेस मिल रही है, तो अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं ना तो लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए ये दिखाना ज़रूरी हो गया है। आप देख लीजिए ये वाले जो है कमेंट और फिर आप देख लीजिएगा खुद ही, सारे जो है पेड ग्रुप वाले ये फीडिया, ये देखिए पेड ग्रुप के जेन्यून फीडबैक हैं, जो भी चीज़ हमारे जैसे मेंस के जो ग्रुप चलते हैं ना उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते हैं। अभी मैं बीपीएससी का भी मेंस का ग्रुप दिखाऊंगा, वो भूल गया था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लगातार जो है ये आपके कमेंट आए हैं, लगातार कई सारे टॉपर्स के भी हैं। ये देखिए एज अ डीएसपी जो है यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है और 2017 में, ठीक है, काफ़ी जो है इन्होंने हमारे वीडियोज़ देखे थे लगा। ये देखिए एचसीएस मेंस, मतलब हर जितने भी पीसीएस एग्ज़ाम है मैंने पीसीएस पे ही काम किया है हमेशा, अब यूपीएससी में भी चालू कर दिया है। ये मेंस ग्रुप का फीडबैक देख सकते हैं आप जो है जहाँ भी लगे आपको पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं, देखिए अगर चाहे आप मेरे पेड ग्रुप के मेंबर हो या फ्री के हो, अगर आपने मुझसे कोई भी चीज़ पूछी तो मैं कभी भी गलत गाइड नहीं करता हूँ, जितना मुझे तथा है मेरी, जितनी मेरी औकात है और जो मुझे अगर पता है चीज़ें तो मैं बिल्कुल सही बताता हूँ,
ये वाली चीज़ें देख लीजिए आप। मतलब इसमें तारीफ करने वाली बात नहीं, जो भी है मैं बहुत ही जो है मुँहफट हूँ, सनकी हूँ थोड़ा। अब जैसे मुझे इस बात की सनक लग गई कि मुझसे जो है लोग मुझे गिराने पे लगे हैं, तो अब मैं इस चीज़ पे और ज़्यादा वो है प्रयास करूँगा अपने कि जो है उनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। जो लोग भी मुझे गिराने पे लगे, मतलब चैलेंज ना करो मुझे। मैं चैलेंज अगर कोई मुझे कर देता है ना, तो मेरे खून दुगनी तेज़ी से दौड़ने लगता है। फिर जो है मैं ऐसी चीज़ कर देता हूँ जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारे कॉलेज के ही जूनियर हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है BDO में। कई सारे लोग हैं, आप देखिए ये DSP, ये सारे जो है कमेंट खुद आए हैं। मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया था। बाकी कोचिंग वाले क्या करते हैं कि अगर उनका मान लीजिए आपने उनका कुछ नहीं लिया, लेकिन आपने कई सारे बड़े जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बिग कोचिंग्स जो है अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, जो इंटरव्यू जो है उनके यहाँ बंदा फंस मतलब जाता है देने, भले उसने प्री और मेंस की तैयारी ना की हो, इंटरव्यू में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ये, और फिर उसको जो है छाप देते हैं जबरदस्ती। इंटरव्यू में अगर आप जाओगे वहां पे, तो उसी की वीडियो क्लिप डाल देंगे कि ये देखो, अरे उसने पूरी इंटरव्यू तो सब जरा सी स्टेज होती है, प्री और मेंस भी तो होता है ना। आप बताइए अगर मेंस जो है यहाँ पे हो रहा है कितने नंबर का, ये 800 और 4 बार 1500 नंबर का मेंस होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, 1500 नंबर की तैयारी उसने जो है स्टडी फॉर सिविल से की, 100 नंबर की तैयारी किसी XYZ से कर ली, पूरा क्रेडिट वो ले जाते हैं। और जो हमारी जो है सारे फ्री कोर्सेज हैं उसका हम नहीं लेते हैं। मतलब मैं कभी मार्केटिंग में बिलीव ही नहीं करता हूँ, लेकिन अब ये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब देखिए ये लोगों ने, ये BPSC के फर्स्ट टॉपर थे, उन्होंने भी, जिस श्रेयांश तिवारी से मेरी बात होती रहती है, उन्होंने भी मतलब ये माना है कि प्री और जो है मेंस के प्री के लिए उन्होंने काफ़ी सारा हमारा रिकमेंडेशन लिया था BPSC के लिए। ये सारे जो है कमेंट बिल्कुल जैसे भी हैं, लोगों ने खुद ही बताया मुझे कि उन्होंने शायद किसी कोचिंग इंटरव्यू में बोला है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत जो है बेस्ट हूँ, मैं इतना मुझे पता है कि अगर हमने किसी स्टेट PCS में कोई भी वीडियो या प्लेलिस्ट बनाई है, तो उससे सिलेक्शन करवा के रहेंगे बस। PhD नहीं करवा सकता हूँ मैं, ये भी नहीं कहता हूँ कि आप टॉपर ही बन जाओ। अब टॉपर बनने में तो आदमी का खुद का टैलेंट होता है, या सिलेक्ट होने में भी लोगों का खुद का टैलेंट है, लेकिन इतना जरूर है कि गाइड सही होना चाहिए। कि मतलब अगर मैं आपको जो है, अगर आप मान लीजिए कहीं घूमने गए हैं, कहीं भी अगर टूरिस्ट प्लेस गए हैं, आपका जो गाइड है वो आपको नहीं बता रहा है चीज़ें, तो आप देख नहीं पाओगे वहाँ सब चीज़ें। मैं वही काम करता हूँ कि मैं गाइड करता हूँ, सब कुछ दुनिया में पड़ा हुआ है, सब गूगल से ही उठाता हूँ, फिर जो है उसी को जो है तोड़ मरोड़ के रिसर्च करके दे देता हूँ सब कुछ। लेकिन इतना मैं दे देता हूँ कि आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, इतना तो है। अब लोग कहते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, भैया मैं RAS जो है फाइनली क्वालिफाइड हूँ, मुझे मेरी रैंक बहुत ही घटिया आई थी, मैंने नहीं ज्वाइन किया उसको। उसके बाद से मैं यूट्यूब में बहुत खुश हूँ, मुझे लोगों को सिलेक्ट कराने में मज़ा आता है, मुझे एग्ज़ाम PCS देना पड़ता है, मेरे घर का प्रेशर है, किसी को मानना हो माने, नहीं मानना हो ना माने, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमको इस काम में मज़ा आता है कि हमारे कई सारे स्टूडेंट बन रहे हैं, कोई PCS बन रहा है, कोई SSC में सिलेक्ट हो रहा है, कोई UP SSC में हो रहा है, तो मुझे इसमें मज़ा आता है। मैं इसमें क्या करूँ, हर आदमी का मतलब अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। मुझे बहुत खुशी मिलती है कि अगर मेरी वजह से मतलब जरा सा मेरी जो है गाइडेंस की वजह से लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है इसमें। ये देख रहे हैं आप, ये सारे जो है ये कमेंट आप देख लीजिए, और ये देखिए 15 15 दिनों में जो है लोगों ने क्या क्या जो है करिश्मे किए। 15 दिन की सिर्फ इनकी प्रिपरेशन थी हमारे साथ, और ये इनका पूरा जो है एग्जैक्ट फीडबैक है, आप देख सकते हैं इसमें। ये कुछ ऐसे भी हैं जैसे CAPF में भी लोग सिलेक्ट होते रहते हैं, पूरा GS पे ही काम करते हैं ना हम, GS+ करंट अफेयर पे, और भी लोग जो है CAPF में सिलेक्ट हुए हैं, जो है लगातार BPSC में लोग हैं, और ये बाकी जो वीडियो में किसी का सिलेक्शन हो गया, कई सारी जगह हैं। मतलब जो कहते हैं ना हमसे कि हमने कहाँ सिलेक्शन कराया, तो भैया आपने ये सिलेक्शन कराया है। अगर आप इन लोगों से मिलेंगे, अब जैसे मैंने सोचा था कि मैं इंटरव्यू लूंगा, एक सीरीज लूंगा, जिसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जिन लोगों ने डायरेक्टली बेनिफिट लिया, या तो फ्री या फिर पेड ग्रुप हमारे बहुत मिनिमल कॉस्ट के होते हैं, बस इतने होते हैं कि हम सर्वाइव कर सकें बस, और आपका सिलेक्शन करा सकें बस। कोई उसमें जो है करोड़पति बनने या अरबपति बनने की मंशा नहीं है, पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो ये है हमारा रिजल्ट, अगर आप इन लोगों से मिलोगे जाके ना, तो ये बताएंगे आपको। लेकिन अब ये है कि वही चीज़ मैं मार्केट नहीं कर पा रहा हूँ, मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, ये एक समस्या है। क्योंकि हमारी टीम जो है ज़्यादातर, जो मेरी टीम में 65 70 लोग हैं, मैंने पूरा फोकस कर रखा है कंटेंट मेकिंग पे, कि अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले, क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, पूरे इंडिया में कोई ऐसी ना दे पाए। सब चीज़ों की प्रूफ रीडिंग करवाता हूँ मैं, मतलब मैं क्रॉस चेकिंग करता हूँ, कोई चीज़ अगर गलत हुई है, मैं मानता हूँ कोई चीज़ गलत हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकती है, लेकिन मैं सारे नोट जो है बार बार रिव्यू करता रहता हूँ, और मैं खुद करता रहता हूँ, जैसे मेंस वेंस के नोट मैं खुद रिव्यू करता रहता हूँ। अभी कुछ चीज़ें मैंने पकड़ में आई, मैं वो फिर से जो है नोट्स रिवाइज करके देने जा रहा हूँ सारी चीज़ों पर। मतलब मेन बात वही कि हम जो है अपने आप को सेल्फ करेक्टिंग मोड में रहते हैं, मतलब ऐसा कोई घमंड नहीं कि हम बेस्ट मटेरियल दे रहे हैं,
लेकिन उसको हमेशा जो है और इम्प्रूव करना, और इम्प्रूव करना, इसी में लगे रहते हैं हम। ये देखिए लगातार जो है ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने खुद मैसेज किया था, रमेश यादव जी जो कि BDO सेलेक्ट हुए हैं, इनसे एक बार यहाँ कानपुर आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, कभी जल्दी ही मुलाकात करेंगे और इंटरव्यू जरूर इनका लाएंगे। इन्होंने कहीं और जगह भी लिया हुआ है, लेकिन इन्होंने जो मुझे मैसेज किया है वो मैंने आपको दिखा दिया। ज़्यादातर वीडियो इन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के देखे थे, ऑप्शनल में भी और कहीं से जो है मदद ली थी, ज़्यादातर हमारा लेकिन जरूर देखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है, अब आपको लगता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें एडिट करूँगा, इतना तो टाइम है नहीं मेरे पास, या फिर इतना जो है रिसोर्सेज नहीं कि मैं मार्केट करवा सकूँ, जो सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी तक मार्केटिंग नहीं मैं करवा पा रहा हूँ, तो मतलब जो पोटेंशियल है वो अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। यूट्यूब में मैंने ऐड ब्लॉक कर रखे हैं, यूट्यूब में पूरे के पूरे जो है ऐड इसलिए ब्लॉक कर रखे हैं कि लोगों के, अब देखिए यूट्यूब की पॉलिसी क्या है कि अब मैंने इंटरेस्ट बेस्ड ऐड डिसेबल कर दिए, मतलब कि जैसे मैं एडुकेटर हूँ तो मेरे चैनल में दूसरे एडुकेशन चैनल वालों के ऐड आएंगे। अब जो फर्जी लोग हैं ना, बड़े बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हजारों जो है टीचर ला के रखे हैं, क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ टीचर हम मैं बहुत कम रखता हूँ, लेकिन मतलब जो भी टीचरों को, मैं किसी को नहीं कुछ कह रहा हूँ, उनकी भी वो नहीं, क्योंकि उनको टारगेट, मैंने कुछ लोगों से बात करी टीचरों से, उन्होंने बताया कि भैया एक्स और वाई जो कम्युनिटी वाले क्या कहते हैं जो है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किसी का भी, वो कहते हैं कि आप जो है इस बात पे फोकस रखिए बस कि सब्सक्राइबर ज़्यादा है, किसी का सिलेक्शन हो ना हो, कंटेंट अच्छा हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरा कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, और उसमें अगर मान लीजिए किसी ने एक, मान लीजिए कोई बुक है जैसे फाइन आर्ट के NCERT जो है क्लास 11 की है, अगर आपने बनाई है तो उसको जो है स्टूडेंट को पढ़नी ना पड़े, ऐसा कंटेंट आपको देना है, ये है हमारा मेन प्रायोरिटी। पैसे आप अपने हिसाब से लो, नेगोशिएट करो, क्वालिटी में नेगोशिएट नहीं कर सकते हम, बिल्कुल भी क्वालिटी में नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं, ये है। तो वो लोग जो है कई बार एडुकेटर बहुत शॉक हो जाते हैं कि मैं उनसे बार बार जो है क्रॉस चेक करवाता हूँ कि आप फिर से करो, फिर से करो, फिर मैं प्रूफ रीडिंग टीम से अलग करवाता हूँ, कहते हैं कि आप इतना क्वालिटी क्यों दे रहे हो यार, कि इतनी इतनी क्या जो है आपको पर्सनल लेते हो, हर चीज़ में 3-4 हज़ार रुपये की फीस लेते हो आप, और इतना क्यों मतलब एफर्ट करते हो। तो लोग जो है इसलिए भी शौक हो जाते हैं कि अपनी फीस बढ़ाओ, कई लोग कहते हैं उनसे कि YouTube में वीडियो की फीस डाल दो, मैं नहीं करूँगा, वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे हमेशा। देखिए इन्होंने खुद मुझे यहाँ पे किया, ये मैंने कहीं भी इनसे जो है नहीं कहा था, या किसी भी टॉपर से मैंने आज तक नहीं कहा है कि आप मुझे जो है श्रेय दीजिए। गोविंद मौर्य जी जिनकी 7 रैंक आई थी, उन्होंने भी बताया था, और वो उस टाइम जब रिजल्ट आते तो वो शायद हमारे वीडियो ही देख रहे थे कुछ कुछ, तो लगातार मतलब जो है काम किया है उसी का फल है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे हम कभी भी कोई किसी को खरीदते नहीं है। कई लोग जो है बड़े कोचिंग वाले जो है लोगों से साठ गाठ करके पैसे वैसे दे के टॉपर्स को करते हैं, ये देखिए 16 रैंक थी इनकी, आरुषि मिश्रा की, और इनका इंटरव्यू भी आपने शायद किसी चैनल में देखा होगा, मुझे नहीं पता है, एक इंटरव्यू आया था इनका, लेकिन इनसे मेरी बात हुई थी, मेंस के सेंटर में भी है मेरी थी, फिर बात नहीं हो पाई, कांटेक्ट नहीं हो पाया, और मैं भी बिज़ी हूँ बहुत, और अब मैम को DSP हैं तो ये भी पक्का बिज़ी होंगी, लेकिन ज़रूर कभी ना कभी अगर हुआ तो जो है वापस लाएंगे, जो है इंटरव्यू करवाएंगे आप लोगों के लिए। ये देखिए ये नंबर 1 टॉपर हैं BPSC के, एक्चुअली रात में न है 4 बजे जो है इन्होंने मुझे बताया था कि रिजल्ट आ गया है, तो मैं जनरली सुबह 7 बजे तक सोता हूँ इसलिए, तो फिर मैंने उनसे पूछा था कि मतलब हमारा भी है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन की नहीं, तो देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है ये सब, ठीक है, और इन्होंने बाकी जगह जाके भी बोला है। तो आप ये वाली चीज़ें जो है ये देखिए लगातार जो है इनका लेबर सुपरिटेंडेंट हो गया, पहले काफ़ी हमसे बात होती रहती थी इनकी, तो ये देखिए CP तिवारी, मतलब कई सारे जो है वो है साहब साहब, ये देख सकते हैं आप, अनुभवा त्रिपाठी लगातार वीडियो, और जो है रेगुलर मैंने बताया था डिस्कशन ग्रुप जो है हमारा मेंस का, तब बहुत कम मेंबर होते थे 30, तो ये इसमें कई सारे लोग का सिलेक्शन हुआ है ये, ठीक है, और ये देख सकते हैं आप। अब इसमें मैं कहाँ से क्या कवर दूंगा, ये कौन एडिट कर सकता है, इतना है किसी के पास टाइम, सारे मैसेज हैं, सारे मैसेज रखे हैं मेरे पास यार, जिसको अगर कभी मुझे जो है कोर्ट ले आना हो तो बताइएगा, सारे जो है ऑलमोस्ट रखे हुए हैं सारे, और इन लोगों से बात करके भी आप देख सकते हैं जो लोगों ने भी कमेंट किए हैं यहाँ पे, सब कुछ जो है भैया साफ है, हम इसीलिए बिल्कुल साफ बोलते हैं, PDF मैं फ्री नहीं देता हूँ क्योंकि उससे मेरा सर्वाइवल चलता है हमारी टीम का, वीडियो लेकिन सारे फ्री देंगे, और वीडियो में वही PDF यूज़ करते हैं जो पेड ग्रुप में, हाँ पेड ग्रुप में कुछ स्पेशल PDF जरूर देते हैं, अगर उनका वीडियो बन पाया तो बनवाते हैं, नहीं बन पाया तो नहीं बनवा पाते हैं पेड ग्रुप को, कि अगर वो थोड़ा बहुत फीस दे रहे हैं तो उनको स्पेशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसलिए उनको पूरा सपोर्ट हम करते हैं, पूरी टीम करती है पूरा, कोई भी अगर उनको समस्या होगी तो उसकी सॉल्व करते हैं, फ्री में ये वाली सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, लेकिन फ्री में फिर भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर जो है लोग चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये देखिए देख सकते हैं लगातार जो है कमेंट आए हैं, लगातार, एक ऐसा नहीं कि एक बार आए हो,
लगातार यूपी ट्रिपल एस सी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, ठीक है, आप बीपीएससी हो, करंट अफेयर तो मतलब अब ये हो गया है कि चाहे कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विस से बाहर आता ही नहीं है। लगातार लोग जो है लास्ट मोमेंट पे जो है वीडियो देख देख के सिलेक्ट हो जाते हैं। तो अब भैया ये इसीलिए है, ये इसीलिए जो है लगातार हम मेहनत करते हैं, मैं खुद भी मेहनत करता हूँ, अपनी टीम से भी करवाता हूँ, ये है। इसलिए मेरे साथ जो है काम करने में कई लोग को जो है नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि मैं वर्कहोलिक हूँ एकदम। मतलब अगर मैं 24 घंटे में से करीबन 17-18 घंटे काम ना करूँ तो मुझे मेरे अंग फड़कने लगते हैं। इवन मेरी कान की सर्जरी हुई थी, मैं एक एक जो है करवट पे लेटा था, मैं फिर भी अपना कुछ ना कुछ मोबाइल से टाइप कर रहा था, क्वेश्चन बना रहा था, ये सारी चीज़ें। तो ये है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आप खुद ही जो है डिसाइड करिएगा क्या है क्या नहीं है। बार बार मैं इन सब चीज़ों के प्रूफ नहीं दे सकता हूँ। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं 8564880530 या फिर 9696066089 पर कॉल करिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं तो सिर्फ स्टूडेंट हो तभी ज्वाइन करिएगा। किसी भी प्रकार के अगर आपने डिस्कशन ग्रुप में बदतमीजी की या फिर जो है नॉनसेंस जो है वहाँ पे बातें करी जिनका कोई सेंस नहीं है, स्टडी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मटेरियल नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रही है, टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है, कोई और कन्फ्यूजन है, सारा गाइड किया जाएगा। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा बिल्कुल जैसे एक सीरियस स्टूडेंट रहता है। आप अगर यहाँ पे आए हैं इस चीज़ का जरूर फीडबैक दे सकते हैं कि जो है अगर मान लीजिए कंटेंट में कोई दिक्कत हो सकती है, बहुत पोलाइट वे में। ज़्यादातर मैं जो है कंटेंट के मामले में स्टूडेंट के फीडबैक नहीं लेता हूँ, ये मेरी बहुत ही साफ पॉलिसी है। जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ बिल्कुल साफ है, नो रिफंड पॉलिसी है, आपको करना हो करो, नहीं करना हो ना करो, सारे वीडियो फ्री हैं, बिल्कुल देखो उनको, 10 बार देखो, 50 बार देखो, ऐड तक नहीं आते, और क्या करें बताइए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी क्लियर है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो करिए, वरना ना करिए, कोई दिक्कत नहीं। पेड ग्रुप वाले, मैं देखिए जिनको ज्वाइन करना होगा वो करेंगे, और वो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही, अगर आप रह सकते हैं। मतलब अगर आप, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, पहली बात तो सीरियस स्टूडेंट होने चाहिए, जो आपको स्ट्रेटेजी मटेरियल वीडियो दिया जाएगा और प्लस मटेरियल दिया जाएगा उसी को पढ़ना है आपको। आप हमसे, हमको मत समझाइए कि जो है पॉलिटी में इससे पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में इससे पढ़ना चाहिए, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं तो आप खुद पढ़ लीजिए, सिंपल बात ये है फंडा। मतलब इस जगह मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, अगर इसको इसमें किसी को बुरा लगता है तो लग सकता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा जो कंटेंट है वही पढ़ना पड़ेगा, उसी में से सिलेक्शन होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेरी तरह से पढ़िए, मेरा स्ट्रेटेजी वीडियो देखिए और मेरा ही कंटेंट पढ़िए। अगर आप हमारे ग्रुप में हैं तो कहीं और का मटेरियल मत पढ़िए, मतलब मुझे कंपेयर करके मत दिखाई दे कि आपने ये वाली चीज़ मिस कर दी, उन्होंने दी थी, ठीक है। हमारी टीम जो है इतनी जो है काबिल है कि आपको वो कंटेंट देते हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक। बस हम इसी पे जो है अपना पूरी रिसर्च करते हैं, पीएचडी नहीं करवाएंगे, इतना कर देंगे कि सिलेक्ट हो जाओगे बस। तो ये आपको अगर आना है हमारी टीम में या फिर मतलब पेड ग्रुप में ज्वाइन करना है तो आप हमारा कंटेंट ही पढ़ेंगे और हमारे हिसाब से ही पढ़ेंगे। कोई और सुविधा है मतलब चाहिए कि मान लीजिए जैसे अभी तक ये था कि समरी की मैं बाइलिंगुअल देता था तो लोग हिंदी वाले कहते थे कि उसके पेजेस प्रिंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो वाले के लिए मैंने चलो ही समरी हिंदी और इंग्लिश अलग अलग कर दी। फिर भी कुछ जो है टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल ही होते हैं, उनका एकदम से नहीं हो पाता है, तो वो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। प्रिंट जो निकालना है वो आपकी जिम्मेदारी है, हमारा काम है पीडीएफ देना, उसके अगर पॉसिबल हुआ वीडियो प्रोवाइड करना, वॉइस मैसेज देना, पूरा मोटिवेशनल मैसेज देना, पूरा सपोर्ट करना, गाइड करना, डिस्कशन ग्रुप है अगर आपके उसमें तो पूरा जो है आपको जवाब मिलना, सब कुछ मिलेगा, जो चीज़ वीडियो में कमिट की गई सब मिलती है, जितना कंटेंट बोलते हैं उतना मिलता है, मिनिमम उससे ज़्यादा ही मिलता है, ठीक है। ये सारी जो है हमारे फंडे हैं, इस हिसाब से हम चलाते हैं। अगर आपको किसी को लगता है कि इसमें कोई भी जो है सजेशन या वो दिया जा सकता है, वो हम सुनने को तैयार हैं, लेकिन पोलाइट वे में, और मुझे अगर वो लगा कि फीजिबल है, मतलब ये भी है ना कि हमारे जो कंटेंट की टीम, मेरा पहला फोकस शो ऑफ में नहीं रहता है, साफ बात बता दूं मैं, शो ऑफ प्रेजेंटेशन इसके लिए इनमें मेरा कोई फोकस नहीं, मेरा फोकस सिर्फ इस चीज़ पर है कि लोगों को वो कंटेंट दिया जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे वर्किंग लोग हैं, उनको उनके पास टाइम कम रहता है। मतलब अगर मैं ये भी कहता हूँ कि आप वीडियो नहीं भी देख पा रहे हैं, पीडीएफ पढ़ लीजिए, पीडीएफ पढ़ लीजिए, जितनी भी दे रहे हैं उससे भी सिलेक्शन हो सकता है। और फोटो चाहिए तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस पे जाइएगा, फोटोज और ये वीडियोस यहाँ पे क्लिक करके सारी फोटो देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा बीपीएससी का डिस्कशन ग्रुप है, लगातार इसमें आंसर राइटिंग के फीडबैक दिए जा रहे हैं और लगातार जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ये हमारा इंग्लिश वाला है जो है ग्रुप, इसमें आपको लगातार क्वेश्चन देते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट जो है पूरा हम आपको फीडबैक देते हैं, कोई समस्या होती है तो एडुकेटर जो है आपको और गाइड करते हैं, कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई भी समस्या हो। तो इस तरह से है हमारा ग्रुप चलता है, ये दिखाना आपको ज़रूरी था, ठीक है। बाकी जो है आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको जो है करना करिए,
ये हमारा टेलीग्राम फ्री चैनल है, आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें मैं जो है एग्जाम टाइम पे कई सारी पिक्स देता हूँ, वीडियोस देता हूँ। अगर आप पेड ग्रुप नहीं भी ज्वाइन कर पाते हैं तो ये जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें सब कुछ जो है गाइड किया जाता है। ये हमारे दो नंबर है, इस पर आप कॉल करके जो है कर सकते हैं जानकारी।